चलिए देशहित में आगे बढ़ेंगे। अमेरिका और रूस इस समय दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश हैं और इन दोनों के बीच हिंदुस्तान के लिए होड़ लगी हुई है। दोनों देश चाहते हैं कि भारत उनके करीब आए। बाकायदा वीडियो सबूत आए हैं जिसमें भारत को अपने पक्ष में लाने की कोशिशें हो रही हैं। इस रेस से भारत को कितना फायदा होगा, अगली स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। सुपर पावर ने पहले अपना फिफ्थ जेनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट भेजा, फिर आया अमेरिका का सुपरसोनिक बम वर्षक विमान। उसी वक्त रशिया से भी हथियारों पर बड़ा ऑफर आया। क्या भारत का साथ लेने के लिए बाइडेन और पुतिन के बीच रेस चल रही है? पूरी खबर समझने से पहले मंगलवार को बेंगलुरु से आई तस्वीरें देखिए। एयरो इंडिया 2022 में अमेरिका के दो B-1 बॉम्बर ने उड़ान भरी। इसकी मदद से अमेरिकी वायुसेना लंबी दूरी तक हमला कर सकती है। ये हैवी बॉम्बर है, यानी बम बारूद जैसे हथियारों के साथ ये परमाणु हमला भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े साइज के बावजूद ये एयरक्राफ्ट लंबी दूरी तक आवाज की रफ्तार से तेज उड़ान भर सकता है। ये बम वर्षक विमान करीब 7000 किलोमीटर दूर अमेरिका के गुआम एयरबेस से बेंगलुरु पहुंचे। भारत की जमीन पर अमेरिका का दूसरा बाहुबली भी आया। बेंगलुरु में अमेरिका के लेटेस्ट फाइटर जेट F-35 ने भी उड़ान भरी। ये पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है और इन्हें दुनिया में सबसे आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है। बड़ी खासियत यह है कि रडार से इन्हें देखना करीब करीब नामुमकिन होता है, यानी दुश्मन को बताए बिना ही ये फाइटर जेट हमला कर सकते हैं। इन दोनों हथियारों के एक साथ इंडिया पहुंचने का मतलब समझिए। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका अपने फाइटर जेट्स इंडिया को बेचने की कोशिश कर रहा है। बाइडेन चाहते हैं कि भारतीय सेना में शामिल मेड इन रशिया हथियारों में कमी आए। हालांकि उनका ये सपना अब तक सच नहीं हुआ है। भारत में डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर के केवल अमेरिका और रशिया ही नहीं, बाकी और भी देश, आपके फ्रांस हो गए, स्वीडन हो गए, ब्रिटेन हो गया, ये सब होड़ में है कि भारत की मार्केट का फायदा उठाया जाए। और इसी के चलते अब दोनों, खासकर अमेरिका, रशिया और ये बाकी सारे देश, अपनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, जो ये पहले नहीं करते थे। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि एक तीर से अमेरिका ने कई शिकार किए हैं। अमेरिका ने भारत के सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर रशिया को अलर्ट किया है। साथ ही अपने फाइटर जेट्स बेंगलुरु भेजकर अमेरिका ने अपने दुश्मन चीन को भी मैसेज भेज दिया है। अमेरिका ने हिंद प्रशांत इलाके में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए अपना B-1 बॉम्बर तैनात किया है। इस बीच रशियन मीडिया ने भारत और रूस के बीच हथियारों को लेकर बड़ा दावा किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स का इंडिया में ही प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि मॉस्को अपने लेटेस्ट अर्माटा टैंक की टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है। ये रूस का सबसे लेटेस्ट टैंक है। एयरो इंडिया में भी रूस की तरफ से भारत को मैन बैटल टैंक के ज्वाइंट डेवलपमेंट की बातें कही जा रही हैं। भारतीय सेना इससे पहले रूस में डिजाइन किए गए T-90 टैंक का भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन कर रही है। यानी रशियन हथियार भारत के लिए नया मामला नहीं है। हालांकि रूस के नए दावों पर भारत सरकार की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। अक्सर ऐसे मुद्दों पर कोई देश तब बयान देता है जब डील फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है।